आज हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। काफी लोगों को इस सिस्टम से का इंतजार था कि नर्वस सिस्टम हमारे किस प्रकार से कार्य करता है, और आप देखेंगे कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो शरीर के विभिन्न तंत्रों के मध्य सामंजस्य बिठाता है और उन पर नियंत्रण करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। और अगर आप देखेंगे कि होता क्या है कि सपोज ये सिस्टम काम कैसे करता है कि मैंने जैसा बताया कि जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उन सब सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। सपोज कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है, अगर तनाव में होता है तो साइकोसोमेटिक डिजीजेज होती है, डिप्रेशन में है तो साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, मतलब उसका भोजन पचना बंद हो जाएगा, उसको डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा वो। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो आप सब देखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मानव शरीर का वो तंत्र माना जाता है कि जो सभी अन्य तंत्रों के मध्य आपस में सामंजस्य बनाए रखता है और उन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। और देखेंगे कि ये एक ऐसा तंत्र हो गया है जो शरीर के विभिन्न तंत्रों को बीच में आपस में एक मेल के रूप में रखता है, सामंजस्य बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि देखेंगे कि सपोज इसके अंदर आता है दो चीज देखेंगे, एक रिसेप्टर्स और एफेक्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि कोई भी संवेग जो हमारा शरीर के पास आता है। अब संवेग क्या हुआ, जैसे सपोज मुझे ठंड लगने लग गई तो ऑटोमेटिकली मेरे जो शरीर की स्किन होंगी उस पर क्या होंगे, रोए खड़े होंगे, लग जाएंगे, ठंड लगेगी तो अपने आप पता पड़ेगा। तो रिसेप्टर का मतलब हमारे शरीर के पांच जो इंद्रियां होती हैं जिसको सेंसेस बोलते हैं। तो रिसेप्टर्स हमारा क्या हो गया, रिसेप्टर्स का मतलब क्या हो गया, सेंसेस, हमारी इंद्रियां। अब हमारी इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, सेंसरी जो सेंस होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं, देखेंगे आंख हो गया, आई, आप कोई चीज आंख से देखते हैं, आंखें हो गई। उसके बाद कान से आप कुछ से सुनते हैं, किसी ने आपको आवाज ही तुरंत आप उधर देख रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो रिसेप्टर्स हमारा क्या हो गया, एक हमारा ईयर हो गया, ईयर्स। और आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, नाक, कोई खुशबू या दुर्गंध आ रही हो तो आपका नाक आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये नोज हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने कुछ मुंह में खाया तो भाई वो नमकीन लग रहा है या मीठा लग रहा है या अलग ही टाइप का टेस्ट आ रहा है आपको, तो वो कौन बता रही है, आपका जीभ बता रही है, टंग, जीभ बता रही है। उसके बाद भाई गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है या आपको किसी ने टच किया, तो वो कौन बता रहा है आपको, वो हमारी स्किन बता रही है, स्किन। तो आपको देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच हमारी क्या होती है, सेंसेस होती है, ठीक है। मैं एकदम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूँ इस सिस्टम को समझाने के लिए, समझना बहुत आवश्यक है कि सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। एक एक चीज को हम समझाएंगे इसके अंदर, पहले जानने की जरूरत है कि कैसे एक सामंजस्य बना रहे हैं ये आपस में। अब सपोज आप देखेंगे कि किसी ने आपको आवाज दिया, सपोज आपका नाम मोहन है, किसी ने पीछे से आवाज दिया मोहन, तो पीछे से आवाज कहां से कानों में आई ना, तो आप तुरंत क्या करेंगे, पलट के देखेंगे, ऐसे कर देखेंगे आप। तो ये जो कान है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिसेप्टर हुआ, ठीक है। संवेग क्या था, उसने आवाज दी, आवाज आई वो हमारे कानों के पास आई। अब कान के अंदर जब आवाज जाएगी तो कान के अंदर क्या होता है,
हमारी एक सेंसरी क्या होती है, सेंसरी नर्व्स होती है। अब देखेंगे यहां पर दो प्रकार की नर्व्स होती है, एक होती है सेंसरी। सेंसरी नर्व्स क्या करती है, ये जो सेंसरी नर्व होती है ये हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स का मतलब हमारे, रिसेप्टर्स का मतलब हमारे क्या हो, हमारे जो संवेगी तंत्र है, सेंसरी जो ऑर्गन्स है ये पांच, ठीक है। इनसे क्या हुआ, ये आइज के पास आया और ये हमारी क्या सेंसरी नर्व्स है। इसको समझने की जरूरत है आपको कि किसी ने आवाज दी, जब हमारे कान में आवाज गई तो क्या होगा, कान में जब आवाज गई तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या बोलेंगे हिंदी में, विद्युतीय आवेग, विद्युतीय आवेग जनरेट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद्युतीय आवेग हमारे क्या हुआ कि जैसे ही हमारे ये आए तो स्टिमुलस जैसे पहुंचा और हमारे कान के अंदर जैसे ये पहुंचा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इस सेंसरी नर्व्स ने, ये जो सेंसरी नर्व्स हैं, इसने क्या किया, हमारे ब्रेन के पास, ये कहां लेके गया, ब्रेन के पास लेके गया। जो ब्रेन था हमारा, मस्तिष्क था, मस्तिष्क के संबंधित क्षेत्र के पास ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो मैसेज को लेके गए, ठीक है। यहां क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था विद्युतीय आवेग वो क्या हुआ, कहां तक का, ब्रेन के पास गया, हमारे मस्तिष्क के एक संबंधित क्षेत्र के पास गया जिसको हम सेंसरी एरिया बोलेंगे वहां। तो वो क्या होगा, वहां से उसको रेस्पॉन्स लेगा ब्रेन, ब्रेन से रेस्पॉन्स लिया उसने, क्या लिया, रेस्पॉन्स लिया, रेस्पॉन्स लेके फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ही, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ही वो उसका रेस्पॉन्स किसके माध्यम से लेके जाएगा, मोटर नर्व्स। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे मस्तिष्क तक जो कोई संवेग आता है वो, या स्टिमुलस आता है वो कौन लेके जाता है, सेंसरी नर्व लेके आती है, और ब्रेन से वापस उसका जवाब लेके कौन आ रहा है, मोटर नर्व्स आ रहा है। और मोटर नर्व्स कहाँ लेके आएगा, एफेक्टर्स के पास आएगा। एफेक्टर्स क्या होते हैं कि जो एक्टिव हो रहे हैं, जिनसे कुछ आगे की उसके रिस्पॉन्स आने के बाद क्रिया होनी है। सपोज आवाज किसी ने दी, मेरे कानों में आवाज गई, स्टिमुलस आया मेरे कानों के अंदर, वो क्या हुआ, हमारे कान के पर्टिकुलर एक एरिया के पास गया, वहां से हमारी क्या हुआ, नर्व इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, सेंसरी नर्व मेरे ब्रेन में गया और ब्रेन में पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर गया, वहां से उसका जवाब वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के माध्यम से ही मोटर नर्व द्वारा एफेक्टर्स के पास गया। एफेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे पीछे किसी ने आवाज दी तो मैंने कहा घूम के देखा मैंने, तो ये घूम के देखने के लिए क्या हमारी मसल्स काम कर रही है, हमारी नेक मसल जो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड होती है उस पे काम किया और हमने क्या खट से देखा। तो एफेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी मसल्स, मतलब वो पर्टिकुलर अंग जो उसके जवाब में कार्य कर रहा है उसको एफेक्टर्स कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, कि पूरा सामंजस्य बना के चल रहा है। तो मेरा यहाँ पर एक समझाने का मामला ये था कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि किस प्रकार से ये कार्य होता है और कैसे हमारे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कोई संवेग को ये लेते हैं और एफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो है इतने डिफिकल्ट शब्द नहीं, इस देखिए चल रहे हैं, रिसेप्टर्स का मतलब संवेगी अंग, एफेक्टर्स का मतलब जो उससे प्रभावित हुए, जिन्होंने क्या किया तुरंत उसको एक्टिविटी करी, जिन्होंने क्या किया, ठीक है, एक्टिविटी करी, वो हमारे क्या हुए, हमारे एफेक्टर्स होते हैं। अब आगे थोड़ा सा लिखना है क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कैसे ये कार्य कर रहा है। तो
रिसेप्टर्स लिखना है कि रिसेप्टर्स के अंदर क्या आते हैं, वे सभी इंद्रियां मतलब सेंसेस आती हैं जो कि मनुष्य को वातावरण में बदलाव का आभास दिलाती है। जैसे आवाज आई तो वातावरण, पहले आवाज नहीं थी, तुरंत आवाज आई तो वातावरण में आभास दिला रहे हैं, वातावरण के बदलाव का आभास। जैसे शरीर से कोई चीज छुल गई, सपोज कोई गर्म चीज आपको लग गई तो आपके स्किन में लगी, तो स्किन भी हमारा क्या है, हमारा ये सेंसरी क्या है, अंग है, सेंसरी हमारा ऑर्गन है हमारा स्किन। तो ये पांच हमारी इंद्रियां जो होती है ये हमारे रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे आप इफेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत, इस इफेक्टर्स के अंदर क्या आते हैं, इसके अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं, ठीक है, वे सभी अंग आते हैं जो स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है। अब स्टिमुलस क्या हुआ, जैसे आवाज, ठंड, गर्मी लग रही है आपको किसी, ठीक है, कोई स्वाद, आप कुछ खा रहे हैं, नींबू खाया खट्टा लगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक तरीके से क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, ठीक है ना। खुशबू, दुर्गंध आदि का जवाब देते हैं, इनका रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आवाज का लिया कि पीछे से किसी ने आवाज दिया मोहन, तो जो मोहन करके आवाज आई उस आवाज का जवाब कौन देते हैं, हमारे रिसेप्टर्स जवाब देते हैं, ये इंद्रियां हमारा उसका जवाब देती हैं। तो अब इफेक्टर्स क्या होंगे, अब मैं कह रहा हूं उसका जवाब कौन दे रहा है, इफेक्टर दे रहा है। इफेक्टर्स में क्या क्या आएंगे आप नोट करने की जरूरत है, जैसे मसल्स मांसपेशियां, हमारी ग्लैंड्स ग्रंथियां, अगर आपको डर लगने लगेगा तो क्या होगा, अचानक अपनी बॉडी कांपने लग जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है, सुप्रा एड्रेनल ग्लैंड, ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे इस पे ग्लैंड भी हमारे किस पे काम करते हैं, इफेक्टर से काम करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं भी इफेक्टर का कार्य करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इस रिसेप्टर को क्या कर रहे हैं, जो रिसेप्टर से स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस का मतलब आप देखें संवेग, संवेग आया उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं हमारी, सेंसरी नर्व को हिंदी में बोलते हैं संवेदी, संवेगी तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व द्वारा शरीर के भीतर तथा बाहर से, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, ठीक है। अब वो क्या होता है, स्टिमुलस कैसे पहुंच रहे हैं, मैंने बताया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, विद्युतीय आवेग, ठीक है। बड़े सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया कि सपोज अब फिर से एक एग्जांपल देखना है, किसी ने मुझे चींटी काटी, तो चींटी काटी तो मेरी स्किन को काटा है ना, यहां से क्या हुआ, ये स्टिमुलस हुआ, चींटी काटने पे स्टिमुलस हुआ, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए और वो सेंसरी नर्व द्वारा क्या हुआ, मेरे मस्तिष्क में गए, लेके कौन जा रहा है, सेंसरी नर्व लेके जा रही है, मेरे मस्तिष्क में लेके गई, जैसे मस्तिष्क में गई तो मस्तिष्क के अंदर इससे संबंधित जो एरिया है सेंसरी एरिया वहां पहुंची और उसने उसको वापस जवाब दिया, किसी ने मेरे को चुट्टी काटी, मैंने खट से ऐसे देखा तो वो जो जवाब जो मेरे को तुरंत मिला और मैंने कहा जो देखा और हाथ को नीचे किया मैंने, तो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा इफेक्टर्स काम किया। तो भाई रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पांचों जो संवेगी अंग होते हैं, ठीक है, वो हमारे आईज मतलब आंखें, कान, नाक, जीभ और चमड़ी होती है, और एफेक्टर्स क्या हुए, मांसपेशी हो गई हमारे, हमारे शरीर की ग्रंथियां हो गई, हमारे शरीर की कोशिकाएं हो गई, वो हमारे एफेक्टर्स होते हैं जो इसके रेस्पॉन्स में कार्य करते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि अब यहां पर क्या होता है, ये जो चीज समझी आपने यही हमारा नर्वस सिस्टम है, इसी नर्वस सिस्टम को अलग अलग भागों में आगे बांटा जाएगा, ठीक है। सपोज आपको भूख लगी, भूख लगी तो क्या था, पेट में अचानक सा हल्का हल्का मीठे में दर्द सा होने लग जाता है, तो आपको लगता है भूख लग रही है बहुत जोर से, है ना। तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, भूख जो लग रही थी वो क्या था, हमारा रिसेप्टर था, हमारी जो पेट की मांसपेशियां था उन मांसपेशियों को उसने क्या किया, उसने रिसेप्ट किया कि भाई थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा, भूख लग रही है, और उसने क्या किया, सीधे सेंसरी नर्व द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे ब्रेन तक गए कि यार ये भूख लग रही है। तो वो क्या था, पेट वाला जो मामला, भूख लगने वाला मामला क्या हुआ, ये ऑटोनॉमिक मामला है,
ठीक है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, हमारी तंत्रिकाएं लेके जा रही हैं और लेके आ रही हैं तंत्रिकाएं, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको आगे अलग अलग भागों में बांटा गया है नर्वस सिस्टम को, थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, ठीक है कि बिल्कुल सही है कि संवेद जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनके द्वारा शरीर के भीतर या बाहर जो तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन मतलब स्टिमुलस जो आते हैं, ठीक है, उनका वो विश्लेषण होने के पश्चात उसका रेस्पॉन्स उनकी अनुक्रिया या उसका जवाब, ठीक है, मोटर नर्व्स के माध्यम से विद्युतीय आवेग द्वारा पहुंचता है। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, जितना मैंने ये बताया है इसके ऊपर टीजीटी में एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखने की जरूरत है, जितना अभी मैंने इतना बताया, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि आगे बढ़ते हैं कि सपोज आप देखेंगे कि आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने के दौरान ठोकर जैसे लगी आपको तो तुरंत आपको पता लग जाता है भाई ठोकर लगी, पैर में चोट लगी, सेंसरी नर्व तुरंत ब्रेन को बताया कि भाई ठोकर लगी, तो आपने तुरंत नीचे देखा, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम कार्य कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए मुख्य रूप से तीन कार्य करता है। पहला कार्य क्या होता है कि वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देता है, किसी भी स्टिमुलस मतलब होता है किसी भी संवेग का या उद्दीपन का जवाब देता है, ठीक है। आप घर से बाहर निकले बहुत ठंड लगने लगी तो आपको लगा यार शॉल ओढ़ लेना चाहिए, तो ये हमकी हमारी चमड़ी ने बताया, ठीक है ना, समझ में आई जी। अच्छा आगे चलते हैं, दूसरा क्या करता है हमारा नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, सामंजस्य बैठाता है सभी अंगों के मध्य। तीसरा ये क्या करता है, लर्निंग में काम करता है, लर्निंग के अंदर मतलब कि लर्निंग का काम करता है, लर्निंग का मतलब जैसे कोई चीज याददाश्त आपने कुछ याद किया। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ते हैं और ऐसा लगता है याद ही नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। तो मैंने क्या बोला, इसके लिए तो आपका वे आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर एक एक्शन रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम भी यहाँ काम करता है, आपको अपने पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको ज्यादा याद कब होता है, सवेरे पढ़ने में या रात को पढ़ने में कैसे कब याद आता है, या आप बहुत शांति में बैठ के पढ़ रहे हो तब याद होता है, कई लोग घूम घूम के पढ़ते हैं, कई लोग नोट्स बना बना के पढ़ते हैं। तो ये आपको अपने ऊपर एक्शन रिसर्च करनी कि याद किस पे ज्यादा होता है, ठीक है। और मैं बताऊंगा कई लोग क्या होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अपने कमरों के अंदर वो बड़े बड़े किताब कई क्या करते हैं लार्ज साइज के फोटोग्राफ व्हाट्सएप वो क्या बोलते हैं फोटोस्टेट कराते हैं, उसको चिपका लेते हैं, उसको अपने कमरों में चिपका लेते हैं। दूसरी चीज कई कई पॉइंट्स आपको याद नहीं होते हैं, मैंने बताया ना कि अब सोचने की बात है, यही आप एक चीज है कि लर्निंग कैसे याद करेंगे, पुरानी चीज आपने 10 दिन पहले पढ़ रखा है उसको कैसे आप दिमाग में बिठाएंगे, याद कैसे करेंगे, इन सबके अंदर भी हमारा नर्वस सिस्टम कार्य करता है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आप देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र चिकित्सा विज्ञान के अंदर एक शाखा होती है न्यूरोलॉजी, नोट करने की जरूरत है, न्यूरोलॉजी आप सीखेंगे कि न्यूरोलॉजी, एक एक पॉइंट नोट करते चलना है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है ये लिखना है कि ऐसा विज्ञान होता है जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना और इससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचना मींस इट्स अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम और द डिजीजेस विच आर रिलेटेड विद दिस नर्वस सिस्टम इट कम्स अंडर दिस न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी वह विज्ञान है
जिसके अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र की संरचना व उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को देखेंगे कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा है। नर्वस सिस्टम को उन्होंने क्या किया, नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा है, नर्वस सिस्टम को उन्होंने नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा। आप देखेंगे नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम को दो भागों में कौन सा बांटा है, नंबर वन नोट करने की जरूरत है आपको, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला है केंद्रीय नाड़ीय तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो बांटा है इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब देखेंगे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी क्या कर रखे हैं इन्होंने, दो भाग बना रखे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भाग में बांटा है, पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहां पर एक और चीज है, हर विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से इसका वर्गीकरण किया है नर्वस सिस्टम। कई लोगों ने तीन भागों में बांटा हुआ है नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहां देखिए आप दो भाग में बांटा है, ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही दो भाग बना दिए, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज और है, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने की जरूरत है कि जहां पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर काम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटिंग सिस्टम। आज फर्स्ट डे है नर्वस सिस्टम का, तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन जरूर क्लियर हो जाना चाहिए, जहां पर हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम इसके बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है यही कंट्रोल कर रहा है। और आप देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है, इसे उसको हाइपोथाइसिस भी कहा जाता है, वो बाकी सभी ग्लैंड्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अब बात आती है कि जहां पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या, हमारे को जानने की जरूरत है। देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में बोलते हैं CNS, ठीक है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखेंगे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम भी कहते हैं, नोट करने की जरूरत है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो यहां पर मैं लिख देता पूरा में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि आप देखेंगे कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज होती है, एक हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, नंबर वन ब्रेन, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रेन ब्रेन होता है हमारा, इसी ब्रेन के अंदर आप देखेंगे हमारे पास क्या होता है, सेरेब्रम। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर हमारा, सेरेब्रम, ये सब होता है। तो सेरेब्रम, इसलिए इसको हम सेरेब्रो, ये देखिए ये जो भाग है सेरेब्रो और उसके बाद स्पाइनल, इसके कारण स्पाइनल बोलते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया इसके अंतर्गत ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तो आप देखेंगे मैंने बताया कि सपोज कोई संवेग आया, कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 100 मीटर की जब स्लेड स्टार्ट होती है तो जो स्टार्टर होता है कहता है ऑन ए मार्क सेट, उसके बंदूक की गोली चलती है, बंदूक की गोली की आवाज कान में जाती है हमारे धावक के, तो वो क्या होता है, वो बंदूक की गोली की आवाज क्या कहलाएगी, स्टिमुलस कहलाएगी, STIMULUS, जिसको कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, वो उद्दीपन, वो क्या हुआ, उसके कानों में गया और क्या हुआ, जो उद्दीपन था उससे क्या हुआ कि विद्युतीय आवेग बना और वो सेंसरी नर्व उसको लेके हमारे ब्रेन तक गई और ब्रेन से वापस उसका रिस्पॉन्स हमारे कहां पर आया, सीधे पैरों की मांसपेशियों तक, और जिससे क्या क्या उसने क्या किया, स्टार्टिंग ब्लॉक को पीछे धक्का मारा और आगे भागना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, ये हमारे पास ये दोनों कार्रवाई किसने करी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर की कार्रवाई की। अब आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं कि केंद्रीय नाड़ी जो तंत्र होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ब्रेन को मतलब हिंदी में बोलते हैं ब्रेन को मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरु रज्जू। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जू बोलते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्रेन क्या है, ब्रेन मस्तिष्क क्या है, ब्रेन जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम, तो ब्रेन क्या है, देखिए आप ब्रेन के बारे में जानने की जरूरत है कि ब्रेन क्या है। ठीक है, हम ब्रेन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद ब्रेन की एनाटॉमी, फिर ब्रेन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, ब्रेन के बारे में लिखना है कि ब्रेन को एक और इसका साइंटिफिक नेम है एनसीफेलोन भी कहा जाता है। ब्रेन को क्या कहा जाता है, एनसीफेलोन भी कहा जाता है, नोट करने की जरूरत है। अब देखना है कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम के अंदर, मैं वर्ड लिख रहा हूं, नंबर वन है EEG, ECG, EMG, EOG। ये देखिए पहला लिखा EEG, दूसरा ECG, फिर लिखा मैंने EMG, फिर लिखा EOG। इनके फुल फॉर्म, पहला EEG ये ब्रेन से संबंधित है, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो एनसीफेलोन, ग्राफी मतलब जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताता हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसको हम EEG कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने लिखा ECG,
इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। अब यहां पर कार्डियो का मतलब हृदय, जो हृदय के अंदर विद्युतीय आवेग जो आ रहे हैं, जो करंट बन रहा है, उसकी एक्शन पोटेंशियल के बारे में जो हमारा उपकरण बताता है उसे हम ईसीजी कहते हैं। अब आता है ईएमजी, हम देखेंगे इलेक्ट्रो मायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायो का मतलब मांसपेशी। भाई मांसपेशी कार्य कब करती है, जब उसके पास क्या आते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आते हैं। कौन लेके आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैंने अभी बताया विद्युतीय आवेग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस एक्टिवनेस से आ रही हैं, किस स्पीड से आ रही हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अच्छा खिलाड़ी बहुत अच्छा है बट वो वॉलीबॉल में स्मैश ठीक से नहीं मार पा रहा है, इसका मतलब उसकी जो स्मैश के अंदर जो जो मांसपेशी कार्य कर रही हैं, हमारी पेक्टोरैलिस मेजर, हमारी शोल्डर की, हमारी डेल्टोइड मसल्स, ये मसल्स, हमारे सेरेटस एंटीरियर, ये मांसपेशियों की एक्शन पोटेंशियल कैसी है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ईएमजी के द्वारा मेजर किया जाता है। फिर आता है ईओजी, इलेक्ट्रो ऑक्युलोग्राफी। अब ऑक्युलो से किससे संबंधित है, ये आंखों से संबंध है, आई से। हमारी जो आंखों के जो विद्युतीय पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसको मेजर करने के लिए ईओजी नामक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। तो ये मैंने चार इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे, इन चार में से कुछ ना कुछ संबंधित पक्का प्रश्न आता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम हाँ देखो, अगर कोई अननेसेसरी अगर कोई मैसेज करता है तो मैं उसको हटाऊंगा मैं, ठीक है ना, बिल्कुल। ये इरम जारा गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, ठीक है। आगे चलते हैं हम अब देखते हैं हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब ब्रेन के बारे में मेरे को दिमाग में कुछ आया कि मैंने कहा यहाँ कुछ बताना चाहिए मुझे, तो वो मैंने बताया, ठीक है। अब किसी ने, निगम तिवारी ने पूछा सर काइनेस्थेटिक सेंस के बारे में बताइए, ठीक है। देखो काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है, अभी हम आगे चल रहे हैं, इसी के अंदर सब कुछ आएगा, सबके अंदर आते जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं आइसोकाइनेस्थेटिक सेंस, मतलब एक प्रकार का सेंस बार बार जब यूज होता है तो हमारी क्या होता है, मसल्स उसको लर्न कर जाती है, ठीक है। तो अब जैसे देखा होगा कि साउथ अफ्रीका का एक बॉलर था पॉल एडम्स, जब वो बॉलिंग डालता था तो बॉल को विकेट की तरफ देखता नहीं था, बॉल ऊपर से डाल देता था, वो अपना आइसोकाइनेस्थेटिक सेंस यूज कर सकता था, करता था वो, ठीक है ना। तो आइसोकाइनेस्थेटिक मतलब एक जैसा सेंस को यूज वापस कर रहा है, ठीक है। ऋषि वैष्णव बोल रहे हैं कि सर ईसीजी को वापस बताओ, ईसी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक चीज ये ग्राफी और दूसरा वर्ड है ग्राम, ध्यान रखना, इससे किसी को विचलित नहीं होना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं, ग्राफी बोलते हैं, ग्राफी किसे बोलते हैं, जो ग्राफ के ऊपर आ रहा है, बट ग्राफ के ऊपर कौन लेके आएगा, कोई मशीन ही लेके आएगी, उस मशीन के लिए हम ग्राम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो ग्राफ निकल के आता है उसको ग्राफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे हम। तो कार्डियोग्राफ क्या है, हमारा हार्ट, जो हार्ट है हमारा, वो जो पंप कर रहा है, हमने आपको पढ़ाया होगा कार्डियक साइकिल, एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार पंप करता है, अराउंड कितनी बार करता है, 60 सेकेंड के अंदर 72। कहने का मतलब एक कार्डियक साइकिल हमारे क्या होता है 0.8 सेकेंड में पूरी होती है। तो वो जो हमारी कार्डियक साइकिल हो रही है, पंप कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल करंट के कारण तो कर रहा है, मैंने कल प्रश्न पूछा था कि हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, मैंने कल बताया था कि जब पंप का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं, साइनो आर्टेरियल नोड और दूसरा एवी नोड के पास आ रहे हैं, तो वो करंट कितने एक्टिवनेस से आ रहे हैं,
उनकी क्या स्थिति है वो हमें कौन बताता है, ईसीजी बताता है। ऐसे ही करंट हमारी मांसपेशियों में कैसा आ रहा है, ईएमजी बताता है। ऐसे ही करंट हमारे आंखों से संबंधित है वो ईओजी बताता है। और वही एनसीफेलोग्राफी हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या इसकी स्थिति है वो ईईजी बताता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे कि ब्रेन के बारे में, जो पूर्ण रूप से हमारा मस्तिष्क, एक व्यस्त पुरुष का जो मस्तिष्क होता है पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है तो उस मस्तिष्क का भार आप देखेंगे 1200 से 1200 टू 1400, हम वैसे तो 1220 भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 1220 से लेके 1400 ग्राम के मध्य होता है हमारे ब्रेन का वेट, हमारे मस्तिष्क का भार। ठीक है, मस्तिष्क का भार 1220 से लेके 1400 ग्राम के मध्य होता है। और अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये वेट होता है वेट ऑफ ब्रेन, मतलब क्या है, ये इट्स अ वेट ऑफ ब्रेन। और वेट ऑफ क्या होता है, 1/50th ऑफ बॉडी वेट, लगभग क्या होता है आपके शरीर के भार का 1/50 जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के भार का बराबर होता है। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर किसी का वेट अगर 60 kg है तो 60 kg का 1/50 कर लीजिए आप, वो हमारा क्या होगा, ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सपोज मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसका कि 70 kg है वेट, 70 kg का 1/5 करेंगे हम, 1/5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 पड़ जाएगा, बचा 7 को डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे, 7/5, 5 से हमने भाग दिया 7 को, तो क्या होगा, 5 1 5 2 5 4 20, तो ये कितना होगा, 1400 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। आगे चलते हैं हम, अब देखेंगे आप जो मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, उसका जो कपाल भाग, तो सबसे ऊपर देखेंगे अगर हमारी जो खोपड़ी है सबसे ऊपर क्या होता है, चमड़ी होती है ना, चमड़ी चढ़ती है, उस चमड़ी के नीचे देखेंगे आप कि एक चमड़ी के नीचे एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम कहते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, अगर हम देखते हैं कि ये हमारा ये ब्रेन है, सपोज ये ब्रेन है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्किन होती है, और इसके स्किन के अंदर आप देखेंगे, स्किन के अंदर क्या होता है, पेरियोस्टियम होता है, पेरियोस्टियम होता है, PERIOSTIO, ठीक है, पेरियोस्टियम होता है। उसके अंदर आप पेरिस्टम के अंदर देखेंगे, उसके अंदर क्या होता है, हमारा स्कल होता है। ठीक है, स्कल का मतलब खोपड़ी की हड्डियां, स्कल, ठीक है, स्कल होता है। सबसे बाहर स्किन, फिर पेरिस्टियम, फिर स्कल। अब स्कल के नीचे आप देखेंगे कि मैनिंग्स होती है, इसके नीचे क्या होंगी आप देखेंगे, आप इसके नीचे देखेंगे मैनिंग्स कर लेना है, मैनिंग्स। ठीक है, आपने एक बीमारी सुनी होगी कि मैनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जहां भी आइटिस वर्ड यूज हो जाए, आइटिस इसका मतलब होता है दर्द, जलन, सूजन, लाल। अगर मैनिंजाइटिस बोल रहा है तो इसका मतलब इस मैनिंग वाले भाग के अंदर दर्द, जलन, सूजन, लालपन की स्थिति आ गई है, जिसको कि अंग्रेजी का एक ही वर्ड पूरा करता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसको, क्लियर होगी। तो अब ये मैनिंग जो लिखा है, इस मैनिंग के 3 परतें होती हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये जो मैनिंग है, इस मैनिंग की 3 परतें होती हैं, कितनी परतें होती है, 3, होम नंबर 1, ये दूसरी हो गई,
ये एक तीसरी हो गई, मैं तीन परतें बता दी मैंने किसकी, मैनेंस की। अब मैनेंस की देखेंगे, तीन परतें होती हैं, सबसे आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। इस किसकी परत है, ये मैनेंस की। अब आउटर परत, फिर आपकी मिडिल परत, फिर इनर परत, ठीक है। आउटर जो परत होती है, एक वर्ड याद रखना है आपको, क्या वर्ड है, डैप, डी ए पी, ये वर्ड याद रखना है आपको हमेशा। आउटर परत से मतलब होता है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, एम ए डबल टी ई आर, ड्यूरा मैटर, ठीक है। उसके बाद ए जो आता है, ए से बनता है आर्चिनॉइड मैटर, ए से क्या बना, आर्चिनॉइड, आर्चिनॉइड मैटर, ठीक है। और पी जो होता है, पी से होता है पाया मैटर, तो ये जो मैनेंस होती है, खोपड़ी के नीचे तीन लेयर होती है जिसको मैनेंस कहते हैं। मैनेंस की सबसे ऊपर आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, बीच की वाली को आर्चिनॉइड, और तीसरी वाली को इनर जो होती है इसको बोलते हैं पाया मैटर। अच्छा, दूसरी चीज, इस जो हमारी तीनों परतें होती हैं, इन तीनों परतों की आप देखेंगे कि ये जो आर्चिनॉइड जो होता है, आर्चिनॉइड ये क्या होता है, आर्चिनॉइड जो होता है ये हमारा थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है। और इनके बीच में, इन तीनों के बीच में, यहां पर, यहां पर, इनके बीच में एक तरल पदार्थ रहता है। तरल पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। बट इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या बोलेंगे इसको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन तीनों परतों के बीच में ड्यूरा मैटर, आर्चिनॉइड और पाया मैटर के मध्य जो फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए एक एक पॉइंट्स को आपको लिखना जरूरी है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि जो नए बच्चे भी हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। पेरियोस्टम क्या होता है, पेरियोस्टम का बच्चे ने पूछा था फंक्शन क्या होता है, पेरियोस्टम क्या होता है, जोड़ के रखता है, बीच में एक एडहेसिव चिपकाने वाली चीज होती है ना, वो समझ ले हमारी चमड़ी, स्किन को और हड्डी को जोड़ के बीच में रखता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम इसके आगे। अब आप देखेंगे कि दो मस्तिष्क हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग, अब यहां देखेंगे जो मस्तिष्क है हमारे शरीर के विभिन्न अंग, जैसे फेफड़े हो गया, हृदय हो गया, हमारी किडनी होगी, सभी जितने भी अंग हैं सबको नियंत्रित करता है, ठीक है, सबको कंट्रोल करता है हमारे मस्तिष्क। और साथ ही साथ ये शरीर का संतुलन, बैलेंस, ध्यान रखना, देखो बैलेंस हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है, तो हम क्वेश्चन बोलते हैं एंडोलिम्फ फ्लूइड। हमारे कान के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। बट इसको भी नियंत्रित कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है, इसको भी नियंत्रित कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि ये शरीर हमारा मस्तिष्क जो है, शरीर का संतुलन, शरीर का तापमान, ठीक है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर, भूख, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है आपको, उसके बाद हमारे शरीर से जो एंजाइम्स का सिक्रिएशन हो रहा है, एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो अपने संबंधित अंग के कार्य को तेजी से करना चालू कर देते हैं, उनको एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, और
आदि जैसे देखें अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके कार्य को नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए हमारे शरीर का हेड कौन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है जो सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, ब्रेन को हम शरीर का क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू ब्रेन का, हमारे शरीर का सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है उसका ब्रेन सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमारे शरीर का सीपीयू किसे कहते हैं, ब्रेन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब हमारे ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य नोट करने की जरूरत है, ज्ञान मतलब नॉलेज यहीं से प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि ठीक है मतलब मेंटल एबिलिटी, उसके बाद आप देखेंगे कि तर्क शक्ति रीजनिंग, रीजनिंग भी हमारा ब्रेन काम करता है। अब रीजनिंग कैसे होता है, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज जो गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, आपके आगे कोई एक गाड़ी चल रही है, सामने से एक गाड़ी आ रही है, आपको ओवरटेक करना है, तो आप ध्यान देंगे कि उस गाड़ी के आने से पहले मैं ओवरटेक कर लूंगा नहीं कर लूंगा। तो यहाँ कौन काम कर रहा है, रीजनिंग कर रही है, आपकी तर्क शक्ति कार्य कर रही है, सही डिसीजन लेना। तो ये भी हमारा कौन करता है, ब्रेन काम करता है। उसके बाद स्मरण शक्ति, कोई चीज आपको पुरानी याद आ रही है, ठीक है ना, पुरानी चीज जैसे लोगों को यादाश्त हो जाती है, उसको तो क्या बोलते हैं, वो तो पुरानी चीज को याद नहीं कर पाता है, कौन सा रोग बोलते हैं इसको, अल्जाइमर बोलते हैं। ठीक है, अल्जाइमर। ठीक है, तो ये ऐसा होता है जो पुरानी यादाश्त होने लग जाता है, बट ब्रेन क्या करता है, उस यादाश्त को ताजा रखता है, मेमोरी जिसको बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, विचार थॉट, आपसे कुछ पूछा गया कि आप बताइए कि भारत की स्थिति क्या होने वाली है अगर ट्रंप हार गया, ट्रंप तो हार गया, ट्रंप के हारने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप सोचेंगे ना, सोच के जवाब देंगे, थॉट प्रोसेस बताएंगे ना आपको, तो यहाँ पर थॉट भी हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है। यहाँ पर आगे चलते हैं, निर्णय लेना डिसीजन लेना। आपने डिसीजन लिया कि भाई मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ बीपीएड के लिए या एमपीएड के एग्जामिनेशन के लिए या नेट के लिए या टीजीटी के पीजीटी के लिए, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, सवेरे पढ़ना चाहिए शाम पढ़ना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर है आपका, इसमें भी आपका कौन काम कर रहा, ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, तो विभिन्न उद्दीपनों, उद्दीपनों मतलब मैंने बताया था स्टिमुलस, स्टिमुलस मैंने बताया, तो जैसे ठंड लगना, कोई टेस्ट आप खाना खा रहे हैं, आप टेस्ट कैसा आ रहा है, सब स्टिमुलस होते हैं उद्दीपन। तो विभिन्न उद्दीपनों जो हमारे रिसेप्टर, रिसेप्टर्स किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया हमारे पांचों इंद्रियां हमारी हुई, ठीक है, जो हमारे रिसेप्टर जिन्हें हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, संवेगियन इंद्रियां भी कहते हैं, द्वारा विद्युतीय आवेग के माध्यम से ठीक है मस्तिष्क तक आते हैं, और जिनको समझना, उनकी प्रतिक्रिया करना मतलब रिस्पॉन्स देना मस्तिष्क का कार्य ही होता है। अभी मैंने पूरा समझाया था, तो ब्रेन तक आएगा, ब्रेन तक आएगा। ठीक है, अब बोलते ना कि जैसे 100 मीटर के स्टार्टर ने बोला ऑन ए मार्क सेट और बंदूक की गोली चली, आवाज जो कान में गई, कान से ब्रेन में गई, ब्रेन ने डिसीजन लेके अब दौड़ना चालू कर देना चाहिए। अगर उससे पहले कोई दौड़ता है तो पता ही आपको डिस्क्वालीफाई हो जाता, फाउल होती। तो यहां पर मेन काम कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे आपका मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क के नोट करना है, मस्तिष्क में विशेष प्रकार की, जो मस्तिष्क होता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क जो होता है हमारा, ब्रेन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, डिफरेंट सेल्स से बनकर बना होता है। ठीक है, तो आवर ब्रेन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहा जाता है उनको,
हम न्यूरॉन कहते हैं, उनको न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपका ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बताया था कि क्या होता है, बाहर स्किन, पेरिस्टियम, स्किवस्कल, फिलामेंट्स होती है, डैप, ड्यूरा मैटर, आर्चनॉइड, पाया मैटर, इसके अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। इसी के अंदर ही तो ब्रेन होता है हमारा, हमारे क्या होता है, इसके अंदर ये ब्रेन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर आगे आपको लिखना है, इतना चीज आपको क्लियर हुआ। और हमारे अगर देखेंगे कि ब्रेन के नीचे, क्योंकि अभी मैं इसके आगे बताऊंगा, मैं कुछ, मैं आज आपको पिक्स डालूंगा मैं कि उस ब्रेन के नीचे हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो एक एक चीज को समझाना भी है, मैं समझा के बताऊंगा मैं आगे। तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क जो होता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, इन कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। ब्रेन के ब्रेन ब्रेन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, नोट करने की जरूरत है। ठीक है, और न्यूरॉन की संख्या, अब देखेंगे आप कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर, क्या होता है इसकी इकाई होती है, न्यूरॉन जो होती है हमारी मस्तिष्क की, न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन, ये क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, देख लिया आपने। उसके बाद मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन की संख्या नोट करने की जरूरत है, 1 करोड़ खरब होती है, 1 करोड़ खरब, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। एक मैंने जैसा बताया कि हमारे मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 1 करोड़ खरब, 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं। और ये जो न्यूरॉन होता है ये क्या करता है कि एक संयोजी ऊतक, न्यूरो जिला, नोट करने की जरूरत है, क्या होता है, न्यूरो जिला, न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, न्यूरो जिला। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये न्यूरॉन्स को एक संयोजी ऊतक न्यूरोजिला सहायता करता है, न्यूरोजिला जो होता है वो इनकी सहायता करता है, इसकी न्यूरॉन्स की सहायता करता है। कुल मिलाकर हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन और न्यूरोजिला से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन प्लस न्यूरोजिला से मिलकर बना होता है हमारा क्या, ब्रेन। मतलब ये मेन चीज होती है, यह न्यूरोजिला क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक होती है जो न्यूरॉन की सहायता करती है। अच्छा, फिर देखेंगे प्रत्येक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी, ठीक है, नोट करने का है कि हर न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, अगर प्रत्येक हम न्यूरॉन की बात करते हैं, इस न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, एक सेल बॉडी होगा, एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। ये नोट करने की जरूरत है कि न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ब्रेन के बारे में लिखा, आपने मैंने बताया ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वो तो हमारी न्यूरॉन होती है, और न्यूरॉन की सहायता न्यूरोजिला करते हैं, न्यूरोजिला एक संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, हमको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमको अपने एग्जाम से संबंधित रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे टीजीटी वीजीटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि मनुष्य के मस्तिष्क को उसकी स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब आप देखेंगे
कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मतलब ब्रेन जो होता है, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर वन फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, हिंदी में भी लिखना है, जिसको हिंदी में लिखना है, फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क। फिर होता है मिड ब्रेन, फिर हमारा होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का मतलब मध्य मस्तिष्क, फिर हाइंड ब्रेन का मतलब होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज लेते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। आप देखेंगे अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इस फोर ब्रेन को हम क्रॉस लिखना है, प्रो एनसीफेलॉन भी कहते हैं, लिखना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रो एनसीफेलॉन भी कहते हैं। मतलब हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हम प्रोस एनसीफेलॉन भी इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका। मस्तिष्क का ये भाग खोपड़ी में क्रेनियल भाग में रहता है। क्रेनियल भाग आपने देखा होगा, क्रेनियल और फेशियल भाग होते हैं। अगर हमसे पूछते हैं स्कल के कितने भाग होते हैं खोपड़ी के, दो, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 होती हैं। फेशियल में कितनी होती है, 14 होती है ना। तो क्रेनियल जो भाग होता है हमारा, क्रेनियल हड्डी जो होती है हमारी, कौन कौन सी क्रेनियल भाग होती है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इसके अंदर भाग रहता है, वो हमारा क्या होता है, आप देखेंगे कसके ये भाग खोपड़ी में कपाल, क्रेनियल भाग में, मतलब फोर ब्रेन जो होता है हमारे क्रेनियल भाग में रहता है। अब देखेंगे कि इस फोर ब्रेन की, इसी फोर ब्रेन के कट शॉट में देखेंगे, इसके दो भाग होते हैं, इस फोर ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं टेली एनसीफेलॉन, एक को हम बोलते हैं टेली एनसीफेलॉन, और दूसरे को हम बोलते हैं डाई एनसीफेलॉन, दूसरे को हम बोलते हैं डाई एनसीफेलॉन। देखो एनसीफेलॉन तो आपको पता ही पड़ गया, मस्तिष्क को कहा जाता है, ब्रेन को कहा जाता है एनसीफेलॉन। तो टेली एनसीफेलॉन और डाई एनसीफेलॉन, ये किसके भाग बताए हमने, फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन का साइंटिफिक नाम प्रो एनसीफेलॉन भी होता है, ठीक है, प्रो एनसीफेलॉन भी होता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप देखेंगे कि टेली एनसीफेलॉन, टेली एनसीफेलॉन, डाई एनसीफेलॉन दो भाग होते हैं। अब देखेंगे कि जो हमारे फोर ब्रेन का आगे का भाग होता है, आगे लिखना है, फोर ब्रेन का जो फ्रंटल भाग होता है, उस भाग को हम नोट करने की जरूरत है, आगे के भाग को सेरेब्रम व लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे टेली एनसीफेलॉन, मैंने बताया फोर ब्रेन के दो भाग लिखे हमने, टेली एनसीफेलॉन, फेलॉन और डाई एनसीफेलॉन। क्योंकि बड़े नए वर्ड दिख रहे होंगे, एनसीफेलॉन आपको पता है, टेली एनसीफेलॉन या डाई एनसीफेलॉन बताएंगे। जो टेली एनसीफेलॉन जो होता है वो क्या होता है, हमारे फोर ब्रेन का, टेली एनसीफेलॉन क्या होता है, ये फोर ब्रेन का आगे का भाग होता है। टेली एनसीफेलॉन क्या होता है, हमारे फोर ब्रेन का आगे का भाग होता है, ठीक है। फोर ब्रेन जो है हमारा
फोरब्रेन का मतलब आगे अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का भी आगे का जो भाग होता है वो हमारा टेलीएंसी कलॉन कहता है, कहलाता है। और इस टेलीएंसी कलॉन में क्या आते हैं, आप देखेंगे कि इस टेलीएंसी कलॉन के अंदर सेरेब्रम व लिम्बिक सिस्टम आते हैं, कहते हैं सेरेब्रम प्लस लिम्बिक सिस्टम। सेरेब्रम और दूसरा लिम्बिक सिस्टम आपके नाते, और डाइएंसेफेलॉन क्या होता है, ये हमारे जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन का देखेंगे आप कि डाइएंसेफेलॉन जो होता है ये हमारे इस सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है, जस्ट बिलो ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। तो कुल मिला के हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन के तीन भाग थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम पहला फोर ब्रेन पढ़ा, फोर मतलब आगे का भाग जो हमारे कहां पर होगा, इस फ्रंटल बोन के पीछे होगा। अब इस पर अगर देखेंगे फोर ब्रेन के भी हमने दो भाग बताया, टेलीएंसेफेलॉन डाइएंसेफेलॉन होते हैं। टेलीएंसेफेलॉन में दो चीजें होती है, सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम। दूसरा होता है हमारा डाइएंसेफेलॉन के अंदर, अब देखेंगे जस्ट इस सेरेब्रम के नीचे रहता है, जस्ट क्या होता है सेरेब्रम के नीचे रहता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। इस डाइएंसेफेलॉन में क्या क्या आ रहे हैं हमारे, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, ये दो चीजें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया, फोर ब्रेन में टेलीएंसेफेलॉन डाइएंसेफेलॉन, टेलीएंसेफेलॉन में दो चीज होती है सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद आप देखेंगे डाइएंसेफेलॉन जो होता है इसी के नीचे ही होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस चीज आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इस सेरेब्रम, क्योंकि ये मुख्य है सेरेब्रम पढ़ना, सेरेब्रम ही मुख्य भाग होता है हमारे ब्रेन का। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ये एक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शन बनाया, आपको समझने की जरूरत है। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे आप, जल्दी से विदिन ए सेकंड क्वेश्चन लिखना है आपको। आप लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेम वही है कि आपको विषम निकालना है, कि मैं चार एबीसीडी चार ऑप्शन लिख के दूंगा, इसमें से आपको विषम निकालना है। नंबर वन सबसे फर्स्ट लिखना है आपको जल्दी से कि लिखिए आप पहला, ए है ए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, बी अजलास की आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, और डी है हमारा रंगा स्वामी का। इसमें आपको बताना है कि कौन इनमें से विषम है, विषम मीन्स विच वन इज ऑड फ्रॉम दीज फोर ऑप्शंस, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। इसका आंसर क्या होगा, ये आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, क्योंकि आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किससे, फुटबॉल से है, और बाकी तीन जो हैं इनका संबंध हॉकी से है, फील्ड हॉकी से। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। फिर इसका आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम होगा,
नोट करने की जरूरत है, ए 15, बी 10, सी 30, डी 40। फिफ्टीन टेन थर्टी फोर्टी, हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूं, अमन मलिक का बिल्कुल सही जवाब है। इसके अंदर ये 10 ऑड है, क्योंकि अगर आप टेनिस के पॉइंट सिस्टम देखेंगे तो 15 पॉइंट होता है पहला पॉइंट लेने पे, दूसरे का 30, फिर 40। 15, 30, 40 ये पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वीडियो बिल्कुल लेंदी नहीं कर रहे हैं, एक 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 क्वेश्चन जरूर हो जाए, है ना। लास्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ लिखना आपको, रेडियल आर्टरी, बी अल्नेरिस आर्टरी, सी कैरोटिड आर्टरी और डी ब्रैकियल आर्टरी। इनमें से आपका ये कौन है, रेडियल, अल्नेरिस, कैरोटिड और ब्रैकियल? ये लोग बी लिख रहे हैं, कई डी लिख रहे हैं। इसका आंसर, इसका आंसर होगा कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी कान के पास होती है भाई। रेडियल आर्टरी आपके रेडियस बोन के पास हो गया, अल्नेरिस अल्ना के पास हो गया, ब्रैकियल आर्टरी हमारी अपर आर्म में हो गया। ब्रैकियल का मतलब क्या होता है, ब्रैकियल का हिंदी में अगर मतलब देखेंगे कंधे से लेके कोमी तक, ठीक है। तो इसी हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ना मैं फोन इस्टर्न रोल रोल एच के सीजर, ऐसे बताइए, ईस्टर्न रोल, स्टडल रोल, हिचकेक, सीजर। इसका आंसर आपका हिचकेक, क्योंकि हिचकेक लॉन्ग जंप में यूज होती है और ये बाकी 3 हाई जंप से संबंधित टेक्निक है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है आपको,
ये आज का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा, ओले क्रैनम। क्योंकि ओले क्रैनम जो है हमारे कोहने के पास की हड्डी, कोहने की हड्डी है ये वाली हड्डी, ठीक है। और बाकी केनाइन हमारे दांत होते हैं, ठीक है, ऊपर दो नीचे दो, उसके बाद इंसीजर होते हैं, ठीक है, इंसीजर आप देखेंगे चार ऊपर चार नीचे, और लास्ट में हमारे मॉलर होते हैं, ठीक है, तीन इधर ऊपर ऊपर इधर, छह मतलब होते हैं टोटल। तो हमारा ये जो ऑलिक रहना होता है कोहने की पास की हड्डी। तो आज इतना ही बहुत, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट, और कल कंटिन्यूएशन के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम रहेगा, ठीक है।